ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साल 2080 तक दुनिया भर में 1 अरब लोग मच्छरों से होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू और जीका से पीड़ित हो सकते हैं। दुनिया भर में महीने के आधार पर तापमान में बदलाव पर होने वाली एक स्टडी में ऐसा कहा गया है। ये स्टडी प्लोज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जर्नल में पब्लिश हुई है। इसके मुताबिक जिन जगहों पर मच्छरों के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है, क्लाइमेट चेंज से वहां भी मच्छर फैल जाएंगे। सही परिस्थितियां मिलने पर मच्छरों के जरिए फैलने वाले वायरस का प्रकोप बहुत तेजी से फैलता है। ब्राजील में 2015 में जीका वायरस के प्रकोप से उनकी चिंता और बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के सैडी जे रायन और कार्लसन के नेतृत्व में रिसर्चर्स की एक टीम ने बीमारी फैलाने वाले 2 मच्छरों एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस पर तापमान के प्रभाव के दशकों तक स्टडी की है, जिसके बाद रिसर्चर्स बताते हैं कि एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस ये दोनों मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस के वाहक हो सकते हैं। साथ ही दर्जनों ऐसी बीमारियां हैं जिनका आने वाले 50 साल में खतरा बढ़ सकता है। WHO के मुताबिक दुनिया में मच्छर सबसे खतरनाक जीवों में से एक है, जिनसे ऐसी बीमारियां फैलती हैं जिससे हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। Keep watching पर्यावरण पोस्ट।